क्या आपको चलते फिरते में ऐसा लगता है कि आपके जोड़ की हड्डियां घिस रही हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है जब आप चलते हैं कि आपके पैरों में से कटकट की आवाज आ रही है? क्या आपके भी जोड़ टाइट जकड़े हुए स्टिफ मालूम पड़ते हैं? तो ये सभी समस्याएं संभवतः हो सकती हैं आपके पैर में, घुटने में कार्टिलेज के घिसने और उसमें ग्रीस के कम होने की वजह से, या जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या उपाय हैं जिन्हें करने से आप ये फ्लूइड बढ़ा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऐसे 3 या 4 नुस्खे जिन्हें करने से या उन खाद्य पदार्थों के सेवन से आप अपने जॉइंट के ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, और 2 ऐसी एक्सरसाइज जिनके करने से भी आपको आपके जोड़ में ग्रीस की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी, या अगर वो मात्रा है तो मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर शास्त्रीगंज रोड आगरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। ये जानने से पहले कि किन खाद्य पदार्थों के सेवन से आप अपने जोड़ में जॉइंट में ग्रीस अर्थात साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि किस वजह से ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे जोड़ों में से कम होता है। मैं घुटने की बात क्यों कर रहा, क्योंकि आमतौर पर ये ग्रीस खत्म होने की समस्या या कम होने की समस्या सबसे ज्यादा घुटने के साथ ही होती है, क्योंकि कंधा, कोहनी, ये सारे जो जॉइंट हैं ये वेट बेरिंग जॉइंट नहीं है, ये नॉन वेट बेरिंग जॉइंट है। परंतु जो हमारा घुटना है, होता क्या है, जैसे कि ये थाईबोन है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, साथ में ये है हमारा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कार्टिलेज, जो हम देख रहे हैं ब्लू कलर में, नीले कलर में, ये व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हैं ये गद्दी है, इसे कहते हैं मेनिस्कस। कई बार ये घिसना शुरू होते हैं या कोई इंजरी होती है तब ये घिसते हैं, कोई डैमेज होता है। इसके साथ क्या होता है, आपके जोड़ों में से वो फ्लूइड जिसे ग्रीस कहते हैं वो कम होने लगता है, तब ये समस्या आती है कि ये कार्टिलेज घिसने के साथ साथ धीमे धीमे इसमें से डैमेज होने लगता है। डैमेज की वजह से आपका जोड़ घिसने लगता है, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या आपके भी घुटने में स्टिफनेस होती है, कटकट की आवाज आती है, जोड़ टाइट लगता है, या कभी कभार जब ज्यादा ही ये फ्लूइड कम हो जाए तो घुटना लॉक भी होने लगता है। कई बार पेशेंट आते हैं, शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हम चल रहे थे, चलते चलते हमारा घुटना एकदम लॉक हो गया, हम गिर पड़े, ऐसी भी प्रेजेंटेशन लोगों के साथ में आई है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह क्या होती है, तो पहली सबसे बड़ी वजह जो होती है वो है गठिया, या जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कार्टिलेज घिसने लगती है, मेनिस्कस घिस जाते हैं, इसके बाद बोन आपस में टकराती है और वो घिसने लगती। दूसरी समस्या है जिसमें घुटने का ग्रीस खत्म होता है या कम होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा एक बीमारी का, हीमोफीलिया, किसी व्यक्ति के ब्लड ही नहीं बनता, या किसी व्यक्ति के चोट लग जाए और उसका खून ही नहीं रुके। कुछ ब्लीडिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, जो कि वहाँ पे हीलिंग का काम करते हैं, जिसे खून का थक्का जमना कहते हैं, खून का थक्का बनना कहते हैं, वो खून का थक्का बनता है। ऐसे लोगों में जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं उनमें वो खून का थक्का जमने में अधिक समय लगता है, या वो थक्का बन ही नहीं पाता और उनके शरीर से अत्यधिक खून का रिसाव हो जाता है, ये वजह होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये ग्रीस दोबारा बनाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ये ग्रीस दोबारा डेवलप किया जा सकता है, दोबारा हमारी बॉडी में ग्रीस बन सकता है और बहुत अच्छे आपके जोड़ों की क्वालिटी हो सकती है। इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए ये जानते हैं। परंतु उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको हमें मैसेज करके बताना है कि क्या आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या हो रही है, घुटना लॉक हो रहा है, घुटने में घिसाव मालूम पड़ रहा है, या घुटना स्टिफ मालूम पड़ रहा है। हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अवश्य बताइएगा इनमें से आपके साथ क्या समस्या हो रही है। आपके जोड़ों में ग्रीस अगर कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला खाद्य पदार्थ है जिसका आप सेवन कर सकते हैं वो है अखरोट। अखरोट के सेवन से हमें कैल्शियम मिलता है, हेल्दी फैटी एसिड्स मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। इससे हमारे जोड़ों की जो स्वेलिंग है वो कम हो सकती है, आपके घुटने में आती हुई कटकट की आवाज़ ख़त्म हो सकती है, आपको आपके घुटने में जो स्टिफनेस फील हो रही है वो धीमे धीमे कम हो सकती है। आपको अखरोट का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, अखरोट का सेवन करने के लिए आपको 3 से 4 अखरोट रोज खाने चाहिए। इसके लिए आप अखरोट की गिरी को निकाल कर 1 कप पानी में रात को भिगो कर रख दें,
और रोज सुबह उठ के खाली पेट उस गिरी को चबा चबा कर खाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो लगभग एक महीने के अंदर आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपको जो वीडियो में आगे मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आप उन्हें परफॉर्म करेंगे और संभवतः इन सभी के मेल से आपके घुटने की जो ग्रीस है जो कम हो गई है वो आप वापस से डेवलप कर पाएंगे, रिगेन कर पाएंगे, आपका घुटना स्वस्थ हो पाएगा। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे सुझाव ले सकते हैं कि आपके घुटने की कम होती हुई ग्रीस को या किसी अन्य समस्या को भी, चाहे वो जोड़ों की हो, घुटने कंधे की हो, स्पाइन की हो, इन सभी के बारे में आप हमसे राय ले सकते हैं। अगला जो खाद्य पदार्थ है जिसका आप सेवन कर सकते हैं वो है नारियल पानी। आपको प्रतिदिन कम से कम एक ग्लास नारियल पानी पीना ही चाहिए अगर आपके घुटनों में से ग्रीस आपको कम होता हुआ महसूस हो रहा है। नारियल का जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन होता है, इसकी वजह से आपके ब्लड में जो मौजूद एसिडिटी है वो कम होती है। जब ब्लड की एसिडिटी कम होगी तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो आपके बॉडी में जहाँ भी सूजन है वहाँ पे फ्रेश ब्लड पहुँचेगा, सूजन को ख़त्म कर देगा। जब सूजन ख़त्म हो जाएगी तो आपके घुटने की जो कम होती चिकनाई है, जो ग्रीस कम हो रहा है, सनविल फ्लूड कम हो रहा है, उसे भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ नारियल पानी में कुछ और भी तत्व होते हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे कि उनमें से एक है पोटेशियम। पोटेशियम का बहुत ही महत्व है हमारी बॉडी के लिए, भले ही हमें ट्रेसेस में चाहिए होता है, परंतु हाँ पोटेशियम बहुत आवश्यक तत्व है हमारी बॉडी के लिए। सोडियम और पोटेशियम ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम चैनल को। ये चैनल हमारी बॉडी में नर्व कंडक्शन में बड़ा हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर काम करता है यदि हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। जिस किसी व्यक्ति का बीपी कम रहता है या उसे समस्या होती है बीपी की, उन्हें भी आप नारियल पानी पिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा कम से कम 5000 लाइक इस वीडियो को अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिन्हें जानने से आप अपने शरीर में मौजूद दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, इनको दूर करने के लिए हमसे अच्छी जानकारी पा पाएंगे और उन्हें अमल करके स्वस्थ रह पाएंगे। अगला जो पदार्थ है सेवन करने योग्य वो है हरसिंगार के पत्ते, या आप लोग इसे पारिजात के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान में ये पेड़ बहुत पाया जाता है, आपके आसपास मिल ही जाएगा। हरसिंगार की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, पेनकिलर होता है और ये एंटी ऑक्सीडेंट्स भी डेवलप करता है, जिससे कि आपके पैरों की सूजन भी कम हो सकती है, आपके जोड़ों की सूजन भी कम हो सकती है, इंफ्लामेशन कम हो सकता है और दर्द भी कम हो सकता है आपके जोड़ों का। इसका सेवन करने के लिए करना क्या है आपको? आपको 8 से 10 पत्तियां लेनी है हरसिंगार की, उन्हें धो लेना है, उन्हें धोकर खल्लड़ में पीस लीजिए या उन्हें कुचल लीजिए। 1 कप पानी को उबालिए, उस पानी में, उस उबलते हुए पानी में इन पत्तियों को जो पीसा था आपने उसे उन्हें डाल दी थी। 3 से 4 बार उसे उबालिए। ये उबाल आने के बाद उसको छान कर एक कप में या ग्लास में ट्रांसफर कर दें उस पानी को जो छाना है आपने, और उसे ढककर रख दें, थोड़ा ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। रोज एक ग्लास ये जो फिल्टर्ड जो छना हुआ पानी है हरसिंगार के पत्तों का, इसको पीजिए। कुछ दिनों में आपके पैरों में दर्द कम होने लगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे ये जानकारी आपके साथ साथ और लोगों तक भी अवश्य पहुँचे और आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ अवश्य मिल सके। अगला जो खाद्य पदार्थ है वो आप सबके घर में मिलता है, वो है दही और किशमिश। आप सभी लोग दही जमाते हैं, तो जब आप दही को जमाएंगे उसी वक्त उस दही के अंदर 10 से 15 किशमिश डाल दीजिए। जब सुबह वो दही के रूप में जम जाए तो खाली पेट उसका सेवन अवश्य करें। जब आप इस दही और किशमिश के कॉम्बिनेशन का सेवन करेंगे तो इससे आपके घुटनों में या जोड़ों में जो ग्रीस कम हो रही है वो डेवलप होने लगेगी,
तो किशमिश एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट भी है, एक एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस भी है, जिससे आप अपने जोड़ों में आती हुई सूजन भी कम कर सकते हैं, इसलिए इसका सेवन अवश्य करें। ये तो बात हो गई सारे खाद्य पदार्थों की कि किन के सेवन से आप अपने जोड़ों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। अब सीखते हैं वो दो एक्सरसाइज जिन्हें आपको इन सारे खाद्य पदार्थों के सेवन के साथ में परफॉर्म करना है, जिससे आप अपने घुटनों की या जोड़ों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर वन कैसे होगी, आपको एक बेड पर या मैट पर करवट से लेट रहा है फिर सीधे हो जाना है। इसके पश्चात आपको परफॉर्म करनी है साइकिलिंग, परंतु स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप पहले एक पैर से परफॉर्म करेंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे आपके पैर को चलाने की आपको हैबिट आ जाएगी, क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करते में आपके पैरों का मूवमेंट तो होगा, बट चूंकि ये एक ओपन चेन एक्सरसाइज है तो घुटने पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, जो बोन है दोनों उन पर कोई लोड नहीं पड़ेगा जो आपस में टकराती है। दूसरा इस पैर से भी करिए ऐसे, क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। इसके कुछ दिनों बाद यही मूवमेंट आप दोनों पैरों से आप एक साथ करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये एक्सरसाइज करते हुए आप अपने पैरों को चला रहे हैं परंतु लोड नहीं आ रहा, मोबिलिटी होगी, फ्रेश ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, सर्वाइकल फ्लूइड और बनेगा, जो कमी थी वो पूरी होगी या जो फ्लूइड है वो मेंटेन बना रहेगा। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। इसे करने का एक और फायदा है, थर्मल फ्लूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके पेट की चर्बी भी कम हो सकती है। तो एक पंथ दो काज, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, लाभ पाइएगा। अब इसी क्रम में दूसरी एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज होगी एक टावल के साथ में। एक टावल को लीजिए, पैर के नीचे लगा लीजिए कुछ इस प्रकार से, पैर को उठाइए 90 डिग्री और पैर को आराम से इतना ऊपर लाइए नीचे ले आइए, पूरा ऊपर ना लेके जाइएगा। पूरा ऊपर लेके जाने में क्या होगा, जो टिबिया है वो फीमर पर दबाव दे सकती है, फिर वही घिसने की समस्या होगी, इससे हमें बचना है। आराम से पैर को 90 डिग्री रोकिए, पैर को आधा ऊपर लाइए नीचे ले आइए, आधा ऊपर ले जाइए नीचे, सिर्फ मिड रेंज का मूवमेंट करेंगे आप, मिड रेंज का मूवमेंट, इससे कोई दबाव आपके पैरों पर नहीं पड़ेगा। यही प्रक्रिया आप अपने दूसरे पैर से भी दोहरा सकते हैं और 10-10 मूवमेंट के 3-3 सेट सुबह शाम करिए, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी मोबिलिटी धीमे धीमे आपके नी में सर्वाइकल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये तो हमने सीखा कि जोड़ों की ग्रीस ख़त्म होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मगर आने वाले वीडियोज़ में एक वीडियो ऐसा आने वाला है जिसमें हम ये जानेंगे कि घुटनों के या जोड़ में जब समस्याएं हो, दर्द हो, ग्रीस कम हो रहा हो तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। उस अगर वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे जब भी वो वीडियो पब्लिश हो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और जानकारी आप तक पहुंच सके। आप अगर जानना चाहते हैं कि घुटने के लिए हम क्या डाइट ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, तो उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को आप देख लीजिए क्लिक करके, और अगर इसके साथ आपके पैरों में सूजन भी आ रही है तो उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपकी समस्याओं का हल हो सकता है। धन्यवाद।